तो दोस्तों हमारे चांद चकोरी हैं, उन्होंने ना पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। ये देखें जी, पर चांद जो है उसने फुल मूड में है और पर फैलाए हुए हैं। वो अपनी चकोरी को जो है वो इम्प्रेस कर रहा है। तो दुआ करें दोस्तों ये जल्दी जो है ना। हाँ जी ठीक है ठीक है, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। दोस्तों दुआ करें कि जल्दी जो है ना ये पेयर बन जाए और अंडे दे और आगे बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे निकले। ये बड़े प्यारे जो हैं यहाँ लग रहे हैं। तो दोस्तों आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप फौरी हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें लाजमी आप सपोर्ट करें ताकि हमारा दिल बड़ा हो और हम आपके लिए बड़ी से बड़ी जो है वो चीज़ें लाएँ और आपको दिखाएँ। तो आपने फौरन सब्सक्राइब करना है और दोस्तों से भी आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट वगैरह करें। जी बेटा क्या लाए हो, दिखाओ मुझे तो नहीं पता भाई। रमजान शरीफ गोभी, खरगोशों के लिए गोभी। वो तो इतना सारा घास मैं लेके आया हूँ खरगोशों के लिए। और इधर देखें जो डव हैं वो इस मिनी जू में आके जो है वो बड़ी खुश हो गई हैं। और यहाँ इनका जो है ना जी खाना पीना। और ये दोस्तों बड़ी प्यारी जो है ना वो ये आवाज़ें निकालती हैं, सुबह से शाम तक जो है ना बड़ी प्यारी आवाज़ें देती हैं और बड़ा मज़ा आता है ये जानवरों के साथ प्यार करना, इनकी केयर करना, टेक केयर करना और साथ इनके रहना बड़ा जो है ना इंजॉयबल होता है। अपनी यहाँ जी रेड रेड आइज दिखाओ और कभी बोल के तो दिखाओ। आप वैसे सारा दिन बोलती रहती हो लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ तो आप बिल्कुल जो है वो आवाज़ ही नहीं निकालती हैं। क्या हो गया, आवाज़ निकाला करो ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, आई होप क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारे जो पेट्स हैं ना वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने इनको जो है वो बटेरों को आज इधर ला के आपने रखा है, तो ये कई दिनों से बटेर जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपने अब्दुल बासित और आतिफ़ के काम देखे जी, इन्होंने ले आए थे तो इन्होंने जी बटेरे जो हैं वो ला के यहाँ रखे हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनको डालो ना भाई, हाँ इनको भी रोटी डाल दो, इनको भी कोई अभी जो है इनको खुराक दी हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी हाँ जी डाल दें डाल दें। तो इनको डाल देते हैं, चलें भी आप खाओ। और उसके बाद ऊपर हमारा जो गंजा पापी जो है उसको भी डालो भाई। गंजा पापी जो है वो देखें जी इसकी टॉर चेक करें जी, बड़ा जो है वो बबर शेर। नहीं नहीं हाथ नहीं खाता। तो ये जी खाने को लग गया, खाओ 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 खाओ। अब इनको डाइट भी मिल जाएगी। और आओ जी इधर आओ हमारे छोटे नन्हे मुन्ने चिक्स के पास। ये बाहर गिरेंगे, इससे पहले पहले आप ये तो काटी पड़ी करते हैं दोस्त। चलो अभी हाँ उधर डालो, उधर डालो 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 और डालो ना भाई, भागे इधर ना आए, डालो डालो डाल दो। दोस्तों हमारे जो नन्हे चूजे हैं वो देखें कितना भाग रहे हैं, कितना माशाल्लाह जो है वो खेल कूद रहे हैं। और स्पीड ही लगा दी इन्होंने तो, शालीमार एक्सप्रेस बन गए। और इधर जो है अब्दुल बासित और रोमियो की जो है वो लड़ाई होने वाली है। चलें भी डालो और डालो यार, और भी डाल दो इनको, ये तो खा रहे हैं बड़े, दौड़ें लग गई हैं इनकी। चलें जी बाकी पेट्स को भी डालो। पीछे पड़ गया अब्दुल बासित के, पीछे पड़ गया जी रोमियो जो है वो। अब्दुल बासित तुम ये गोभी दे दो यार उससे, क्यों वो देखो मेरे से डरता है, नहीं डरता। तो कल दोस्तों हमने जो है वो डायमंड को नहलाया था और डायमंड बड़ा प्यारा बन गया। ये देखें आज जो है इसके कलर भी बड़े अच्छे निकल आए हैं। और ये हमारा ब्लैक पैंथर ये भी बहुत प्यारा जो है वो बन गया। तो हाँ भाई आप क्या खाना लेना है, इनका तो खाना पहले ही यार पड़ा है काफ़ी सारा। चले ऐसा करो हम साफ कर देते हैं, चलो डालो। तो ये जी हमारी गायना फॉल, ये हैं तो फूल ही लेकिन फिर भी यार प्यारी बहुत हैं। तो ये शोर मचाती तो बहुत हैं लेकिन जो है ना फिर भी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बाकी हमारे पास जो गोल्डन बफ हैं इतने बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाँ इनके पास तो खुराक भरी होती है लेकिन ये बड़े प्यारे हैं। और अब तो माशाल्लाह से अंडा भी देती है ये डेली। दोस्तों टेम्परेचर कुछ बढ़ गया है
गर्मी जो है वो कुछ शुरू हो गई है ज़्यादा, तो लेकिन अभी सुबह का टाइम है। खैर थोड़ी देर बाद हम एक तरपाल भी लेके आए हैं मार्केट से, वो इंशाल्लाह कल से फिर इनके ऊपर ना यहाँ से जो है वो ऊपर तरपाल लगाएंगे, ताकि ऊपर तो अभी छाँव है लेकिन नीचे जो है वो धूप आ रही है। तो हाँ लैला लैला मजनू को यार डालो खुराक। लैला ने ना आज आपको खुशखबरी की बात सुनाऊं, लैला ने आज अंडा दे दिया है, दे दिया है आज अंडा। तो, हाँ जी, तो मैं बड़ा परेशान था दोस्तों, डेली जो है वो मैं आपसे पूछता भी था कि लैला अंडा नहीं दे रही, लेकिन अगर इस तरह सिलसिला चला 7 दिन के बाद एक अंडा आया तो फिर भाई साहब गड़बड़ क्या, फिर तो शेख चिली वाला ख्वाब है, शेख चिली वाला ख्वाब है कि कब अंडे आएंगे, अंडे लेके फिर आगे बच्चे निकालेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, इतनी देर में तो जो है वो 40 दिन हो जाएंगे, 50 दिनों पिछले एग तो जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और डायमंड चुप कर, तुम्हें यार खाना देते हैं क्यों तंग करता है। तो ये जी गब्बर और वाइटी जो है उनको भी खाना दे दिया, वो खाना खा रहे हैं, वो खाना ले रहे हैं। और हमारी जो है वो छोटी डायमंड, यार चुप कर जा डायमंड, तेरे पास आ रहे हैं, छोटी जो बतकी हैं। और ये जी हमारे वाइट पिजन, ये दोस्तों दुआ करो जल्दी जो है वो एग दे दें, और एग देने वाले ही हैं माशाल्लाह, नहीं लड़ते नहीं हैं, तो काफ़ी सारे जो हैं ये कपल बन गए हैं और आपस में जो है इनकी अच्छी दोस्ती हो गई है। और ये जो है आप अंडा उतारने ही वाले हैं, बस अंडा एक दो दिनों में उतारेंगे, और बड़ी खुशखबरी की बात होगी, अंडा उतारेंगे तो अंडा फिर बच्चे निकलेंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट करने हैं, शेयर करना है, लाइक करना है, और मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।